हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन बी रेडियो वेव, ऑप्शन सी एक्सरे एंड ऑप्शन डी इंफ्रारेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सो की कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है दैट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव वेव लेंथ एंड फोटोन एनर्जीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव, माइक्रो वेव, इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज आती हैं। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती होती है। जो वेवलेंथ है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर वेवलेंथ लॉन्गर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, शॉर्ट होगी, और एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ रेंज है दैट इज अबाउट 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, यानी कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज शॉर्टर देन द विजिबल लाइट बट लॉन्गर देन द एक्स रेज। अब जो सेकंड है वो है हमारे पास रेडियो वेव। तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 मिलीमीटर टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो नेक्स्ट है दैट इज सी इंफ्रारेड रेज। तो अगर यहां पर देखें तो जो वेवलेंथ है दैट रेंजेस फ्रॉम 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ रेंज है दैट इज लॉन्गर देन द
विजिबल लाइट बट शॉर्टर देन द रेडियो वेव्स. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरे. दिस इज द पार्ट डी एंड दिस इज पार्ट सी. सो एक्सरे जो है दैट हैव शॉर्ट वेवलेंथ. सो रेंजिंग फ्रॉम इसकी वेवलेंथ रेंज है 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर. यानी के इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज शॉर्टर देन द यूवी रेज बट लॉन्गर देन द गामा रेज. तो वेवलेंथ रेंज के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो किसकी है, रेडियो वेव्स की. यानी के ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.